संभवतः देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ही है असम के मुख्यमंत्री। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ असम में उपस्थित होने के बाद इस तरह कहा भारतीय जातीय कांग्रेस पार्टी नेता राहुल गांधी ने। आज डेबरा पार चाराली में एक पद सभा में जनता को संबोधित कर कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा कि यह यात्रा देश को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है, सभी भाषा धर्म मजहब को एक करने के लिए किया जा रहा है। आरएसएस एक विचारधारा है, केवल देश के नागरिकों के बीच विभाजन लाना ही इन लोगों का मकसद है। इन लोगों ने एक धर्म के नाम पर विभाजन लाने के साथ ही विभिन्न धर्मावलंबी के बीच संघात तथा टकराव सृष्टि करता आ रहा है, इसके खिलाफ ही यह यात्रा निकाले जाने की बात उन्होंने कही है। राहुल गांधी विशेष बस से आए और उन्होंने जनता को संबोधित किया। देश के करीबन सभी राज्य के गरीब दरिद्र जनता के साथ अन्याय करने की बात उल्लेख की और कहा कि केवल सिर्फ धनिक उद्योगपति के लिए ही सरकार काम करती आ रही है। यहाँ तक कि हर एक राज्य में धनी उद्योगपति रहते हैं और उन लोगों की सुविधा के लिए ये सरकार काम करती है। उन गरीब दरिद्र जनता के साथ किया गया अन्याय के प्रतिवाद में ही न्याय यात्रा निकालने की बात उन्होंने स्वीकारी है। मणिपुर का प्रसंग उल्लेख करते हुए कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में फिलहाल असामरिक युद्ध चल रहा है। हिंसा की आग में धधक रही मणिपुर में जाने को प्रधानमंत्री को फुर्सत तक नहीं मिली। नागालैंड के उग्रवादी समस्या समाधान के लिए केंद्रीय सरकार ने ग्रहण किया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का आज 9 वर्षों में सार्वजनिक नहीं हुआ। यह एग्रीमेंट आज भी एग्रीमेंट ही रह गया। असम के विभिन्न समस्याओं पर नाराज होकर इन सब का समाधान के लिए वर्तमान समय व्यर्थ रहने का आरोप लगाया यह कांग्रेस नेता ने। इसके पहले नागालैंड के तुली से आमगुरी होकर ऐतिहासिक धोदा रैली होते हुए राहुल गांधी का विशाल कन्वय मरियानी की ओर यात्रा शुरू की। पुथी नदी के सार्वजनिक मैदान में कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने कुछ समय विश्राम लेने के बाद वहीं दोपहर का भोजन भी किया। इसके बाद उन्होंने मरियानी होकर जोरहाट की ओर रवाना हुए। डेबरापार चाराली में उन्होंने विशेष बस से जनता से मुलाकात की। डेबरापार चाराली में जनता का व्यापक भीड़ देखने को मिला। अन्य ओर तिरुवाल चाय बागान में बस से उतरे और थोड़े समय के लिए चाय बागान की जनता के साथ मत विनिमय किया, लेकिन जनता की काफी भीड़ होने के कारण कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने बस पर सवार होकर मरियानी की ओर रवाना हुए। मरियानी में भी कांग्रेस युवराज को देखने को जनता की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। समग्र सड़क के किनारे राहुल गांधी को देखने के लिए जनता की भीड़ देखने को मिली। भाजपा के शिविर में यह सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जनता ने करार दिया। इधर हेमलाई में इस युवा नेता ने बस से उतरकर महिलाओं के साथ मत विनिमय किया। हेमलाई पंचायत कार्यालय के समीप महिलाओं की भीड़ देख युवा नेता राहुल गांधी ने अपना वाहन रुकवाकर जनता के साथ मत विनिमय किया। आज हम नागालैंड से असम में प्रवेश हुए हैं और असम में बहुत उत्साहजनक स्वागत हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और खास तौर से राहुल गांधी जी का। आप लोग ने सब देखा है कि बहुत से महिलाएं आई हुई थी एक राज्य सरकार की समारोह में भाग लेने के लिए, पर जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बस उन्होंने देखा, राहुल जी को देखा, वो दौड़कर राहुल जी का स्वागत किया और राहुल जी को निमंत्रण दिया कि हमारे बीच में आइए। तो ये 5वें दिन से ही और असम में पहले दिन से ही असम के जनता को न्याय का संदेशा पहुंच गया है। हम असम में 7 दिन रहेंगे, उसके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आपको पूरी जानकारी देंगे। 25 तारीख तक हम असम में हैं। राज्य सरकार की ओर से खूब प्रयास किया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल नहीं हुई।
कई बाधाएं हमारे सामने खड़े कर दिए गए हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, असम की महिलाएं, असम के सभी वर्ग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेशा सुनेंगे, राहुल जी को देखेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। और जो शुरुआत हुई है मणिपुर, 14 तारीख से मणिपुर से होकर हम नागालैंड आए, नागालैंड से अभी हम असम आए हैं, कल भी हम असम में रहेंगे, 20 तारीख को राहुल जी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे जहां ईटानगर में वो पद यात्रा होगा और एक पब्लिक रैली भी होगी, उसके बाद हम वापस असम में भी लौट आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोरा जी को गुजारिश करूंगा कि वो आपको असम के बारे में थोड़ी और जानकारी दें, उसके बाद हमारे सीएलपी अध्यक्ष जी आपको संक्षिप्त में संबोधित करेंगे और उसके बाद जो कुछ आपके सवाल होंगे हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ एआईसीसी के प्रभारी, असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह जी भी हैं और असम के बड़े वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रॉकीबुल हुसैन जी भी यहाँ मौजूद हैं। बोरा जी, असम का जनता को और देश का जनता को बोलना चाहता हूँ, असम का हमेशा एक परंपरा रहता है कि कोई भी मेहमान हमारा राज्य में घर में आएगा तो वो असमीज में बोलता है शत्रु को बरपीड़ा दिबा, शत्रु को बरपीड़ा दिबा। इसका मतलब है कि आपका घर में दुश्मन भी आ गया उसको भी आप अच्छा से बैठाओ। ये हमारा असम का संस्कृति है, ये असम का परंपरा है, ये असम का इतिहास है। आज ये जो इतिहास ये असम का जनता, जोरहाट का जनता, शिवसागर का जनता ने दिखाया, लेकिन ये इतिहास और संस्कृति परंपरा को असम का सीएम ने ये ख़त्म करने के लिए कोशिश किया था। आज आप लोग को मालूम है जो जब राहुल 18 जनवरी पूरा देश को मालूम है राहुल जी जोरहाट आएगा, सीएम ने पूरा स्टेट में ऑर्डर दिया आज राहुल जी जोरहाट में है तो आज SHG का चेक डिस्ट्रीब्यूशन जोरहाट में होगा, कल राहुल जी माजुली में है तो SHG का चेक डिस्ट्रीब्यूशन माजुली में होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य का बात है, मैंने राहुल जी को पहले बोल के रखा था जो सर यहाँ पे BJP का मीटिंग है, हमको गाड़ी नहीं रखना है, मैंने बोला था, सर भी सुना। लेकिन महिला सामने आ गया बस का, बोला जो राहुल जी आपको साथ हाथ मिलाना है, आपको गले लगाना है, आप लोग किसी का पास वीडियो शायद होगा। और जब हमने बस से उतरा तो बाकी महिला ने बोला जो नहीं आप सभागृह में आइए, बाकी लोग भी आपका इंतजार में। तो असम का जनता में ये CM को भी आज एक मैसेज दिया कि आप CM हो सकते हैं। और CM भी ऐसा ये जनप्रिय CM नहीं है, ये बैकडोर से CM बना। असम का जब इलेक्शन हुआ था 2021 में, उस टाइम में सबसे बड़ा चेहरा था उस टाइम का BJP का CM सर्बानंद सोनोवाल जी, ये बैकडोर से मैनिपुलेट करके CM बना। और ये बात आज जोरहाट का जनता ने उसको देखा दिया, उसने क्या बोला था, कौन राहुल जी का मीटिंग में जाएगा, कौन जाएगा, उसने ऐलान किया था। आज उसने जो आदमी को 1,00,000 रुपया दे गया बोल के जमा किया था, उसने राहुल जी को बैग से गामसा निकाल के दिया। तो इसलिए मैं असम का CM को सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये महापुरुष शंकरदेव डॉक्टर भूपेन हजरिका, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, विष्णु प्रसाद राभा, ये लोग ने जो संस्कार असम को दे के गए, ये आप टूरने का कोशिश मत कीजिए, ये जनता को भी आपसे स्वीकार नहीं करेगा। आज तो आज रात को हम जो निमाती घाट है माजुली का तरफ जाता है, वो निमाती घाट का नज़दीक में राहुल जी रात रुकेगा, सुबह 7 बजे हम लोग कोशिश करेगा, फॉग थोड़ा कमती होगा तो 7 बजे ही हम माजुली के तरफ बोट लेके रवाना होगा। और माजुली में जाकर सबसे पहले वहाँ का जो सबसे बड़ा सत्र है आउनियाती सत्र, सत्राधिकार प्रभु ने डॉक्टर जनार्दन गोस्वामी जी ने हमको, हमने मिला सर
प्रभु को, प्रभु ने बोला जो आपको निमंत्रण है तो हम लोग सबसे पहले आवनियाटी सत्र में जाएगा और उसके बाद रोड शो भी होगा, एक पब्लिक रैली भी होगा और माजुली होते हुए हम ढोकुआखाना जाएगा। ढोकुआखाना से हम रात जाके गुगामुख में रुकेगा और गुगामुख में एक 5 बजे 6 बजे का तक एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होगा और सुबह हम नेक्स्ट डे 28 को गुगामुख से सुबह निकालेगा। वहाँ पे बोगी नदी और हमारा जो पुदुमणि थान टेम्पल है, सबसे पहले राहुल जी जाके पुदुमणि थान में जाएगा। पुदुमणि थान का बाद राहुल जी लखीमपुर का तरफ आगे बढ़ेगा। लखीमपुर में एक बड़ा रोड शो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया है। वो रोड शो का बाद नावबैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी लालुक में जाके राहुल जी लंच, आज जैसे लंच ब्रेक है वहाँ पे लंच ब्रेक होगा और वहाँ से सीधा राहुल जी ईटानगर जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ये आज और कल की बात कर रहे हैं आप, सीधा 22 को जम्प कर रहे हैं। रोज भारत जोड़ो यात्रा एक दिन कर रहे हैं। आज 18 तारीख, 18, 19 और 20 का प्रोग्राम बताइए। वो टेम्पल नहीं होता हुए थे, सुनिए ना जवाब दे। 18 आज तो यहाँ है, 19 तारीख रात जाके गुगामुख में रुकेगा। गुगामुख से सुबह जब निकलेगा तो पुदुमणि थान एक ऐतिहासिक मंदिर है, एक हिस्टोरिकल टेम्पल है, वहाँ पे सुबह से जाके राहुल जी प्रार्थना करेगा। इसका बाद बोगी नदी होके लखीमपुर, लखीमपुर से लालुक जाके लंच ब्रेक, इसका बाद ईटानगर। मरियानी से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट, IND 365।